नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा हिंदी सिनेमा के हरफन मौला अभिनेता और गायक किशोरदा यानी किशोर कुमार के बारे में। रुपहले पर्दे पर मस्ती करने वाले, अलमस्त दिखने वाले किशोर कुमार निजी जिंदगी में भी बड़े ही खुशमिजाज और मूडी किस्म के इंसान थे। इससे पहले कि मैं किशोरदा से जुड़े किस्सों पर विस्तार से बात करूं, मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें। आपका ये सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, किशोर कुमार निजी जिंदगी में बड़े ही खुशमिजाज, हरफन मौला और मूडी किस्म के इंसान थे। तो आज मैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से आपके साथ साझा करूंगा जिन्हें सुनकर आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, किशोर कुमार इकलौते ऐसे स्टार रहे जो एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और गीतकार रहे। उनकी आवाज ने देवानंद, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के लिए करोड़ों फैंस की लाइन लगा दी थी। दोस्तों, किशोर कुमार बचपन से सुरीले नहीं थे। बचपन में उनका गला बैठा रहता था, ज्यादा खुलता नहीं था, लेकिन एक हादसे ने उनकी आवाज को ही बदल के रख दिया। हुआ यूं था, किशोरदा के बचपन के वक्त की बात है, उनकी माताजी रसोई में सब्जी काट रही थी तो किशोरदा दौड़ते दौड़ते मां की तरफ भागे, तभी उनका पांव दरांती पर पड़ गया जिससे उनकी उंगली कट गई, काफी खून बहा। उंगली का इलाज तो हो गया लेकिन जो दर्द था ना, वो बरकरार रहा। किशोर कुमार कई दिनों तक जोर जोर से रोया करते थे। इससे हुआ ये कि उनका जो वोकल कॉर्ड था वो खुलने लगा, उनकी आवाज खुलने लगी, हस्की वॉइस हो गई उनकी और सुरीली भी हो गई। शुरू शुरू में किशोर कुमार रोमांटिक, सीरियस इस तरह के किरदार निभाया करते थे, लेकिन उनकी जो जिंदगी है और जिंदगी से जुड़े जो किस्से हैं वो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। एक घटना है कि फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी किशोरदा को अपनी फिल्म आनंद के लिए कास्ट करना चाहते थे महमूद साहब के साथ। उसी दरमियान एक बंगाली ऑर्गेनाइजर किशोरदा को परेशान किए जा रहा था, तो उन्होंने अपने गेटकीपर से कह दिया कि बंगाली आए तो भगा देना। जब ऋषिकेश मुखर्जी किशोरदा से मिलने पहुंचे अपनी फिल्म आनंद के सिलसिले में, तो उनके गेटकीपर ने उनको बंगाली ऑर्गेनाइजर समझ लिया और वहां से चलता कर दिया। तो इस तरह किशोर कुमार के हाथ से आनंद फिल्म निकल गई और महमूद साहब ने भी बाद में निजी कारणों से उस फिल्म को छोड़ दिया, जो बाद में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना साहब के साथ बनाई गई। दोस्तों, किशोरदा से जुड़ी एक घटना और भी है कि एक बार हुआ यूं कि एक डायरेक्टर किशोर कुमार के मजाकिया अंदाज और उनकी हरकतों से इतना परेशान हुआ कि वो कोर्ट तक जा पहुंचा ये ऑर्डर लेने कि शूटिंग पर डायरेक्टर जो भी ऑर्डर देगा किशोर कुमार को फॉलो करना होगा। जब किशोर कुमार को ये बात पता चली तो किशोर कुमार भी कम नहीं थे, वो अगले दिन शूटिंग पर गए और कार से बाहर आने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहने लगे जब तक डायरेक्टर का ऑर्डर नहीं होगा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। कमाल के इंसान थे किशोरदा। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक कार का जो सीन है वो शूट हो रहा था, तो किशोर कुमार कार चलाते चलाते खंडाला निकल गए क्योंकि डायरेक्टर कट कहना भूल गया था। एक घटना और है दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि
किशोरदा ने अपने घर के आगे एक बोर्ड लगा रखा था, जैसे लोग लगाते हैं कुत्तों से सावधान, तो किशोर कुमार ने लगा रखा था किशोर से सावधान। तो उस जमाने के फिल्म मेकर हुआ करते थे HS रवेल साहब, वो किशोरदा से मिलने उनके घर चले गए क्योंकि उनको उन्हें कुछ पैसे देने थे। किशोर कुमार ने उनसे पैसे तो बड़े प्यार से ले लिए, और जैसे ही रवेल साहब ने उनसे हाथ मिलाना चाहा तो किशोर कुमार ने धीरे से उनके हाथ को मुंह में डाला और धीरे से काटते हुए बोले, तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा? रवेल साहब उनके मजाक को समझ गए और जोर जोर से हंसने लगे। देखिए दोस्तों, किशोर कुमार इंटरव्यू देने से बहुत कतराते थे और अनवांटेड लोगों से दूरी बनाए रखते थे। जब भी उनको अनवांटेड लोगों से दूर जाना होता था तो वो कोई ना कोई बहाना बना के या कुछ ऐसी हरकतें करते थे कि लोग उनसे दूर हो जाएं। इसीलिए उन्होंने अपने लिविंग रूम में कुछ हड्डियां, कुछ खोपड़ियां सजा के रखी हुई थी, और जब उन पर रेड कलर की जो लाइट जलती थी तो और भी भयंकर लगती थी। दोस्तों, किशोर कुमार से जुड़े ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, अगर मैं वो सुनाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बाकी उनसे जुड़े जो किस्से हैं वो आपसे साझा करने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलता हूं। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।